ओके सर, जैसा कि सर आपने बताया कि आप जो है इस सिटीजन एक्ट बिल को लेकर आप खुश नहीं हैं सर, कोई खास वजह सर क्योंकि आप खुश नहीं हैं इस बिल को लेकर? देखिए, मैंने जितने लेख पढ़े हैं, जिन लोगों ने बिल पूरा पढ़ा है, एनालाइज किया है, मुझे जहाँ तक पता चला है भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत है उससे ये अलग है, उसके खिलाफ है, क्योंकि हमारा प्रियम्बल कहता है कि भारत की टेरिटरी में किसी भी इंसान के साथ, नागरिक शब्द का यूज इस्तेमाल नहीं किया गया है, भारत की टेरिटरी में किसी भी इंसान के साथ धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बिल में एक धर्म को बाहर रख दिया गया है, तो ये तो बात मुझे समझ में नहीं आती है, मैं सहमत नहीं हूँ इससे। और जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर पुलिस द्वारा बर्बरता किया जाना बहुत बुरा लगा, बहुत आहत हूँ देख करके, और मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि यही लोग हैं भाई कल जो देश संभालेंगे, नौजवान हैं, नौजवानों का खून ही खौलता है। और अगर सरकार को लगता है कि इनका मुद्दा गलत है, तो आप बातचीत द्वारा उन्हें कन्विंस करके आपका मुद्दा गलत है, कोई एक पक्ष तो सही होगा। वायलेंस इज नॉट द आंसर, वायलेंस इज द प्रॉब्लम, तो कृपया ना करें। सर, स्टूडेंट्स के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ, अग्री, लेकिन सर बिल में ये क्लियर है कि जो हमारे पड़ोसी देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ के हिंदू जो सताए गए हैं उनका इंडिया में वेलकम, यही बिल है। सो इसमें इस बात को लेकर, देखिए, हमारे देश में जो भी शरणार्थी आ रहा है, आया है, वो अपनी सरजमीन से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर ही आया होगा, अपना घर बार, अपनी ज़मीन छोड़ करके खुशी से कौन आता है? तो अगर वो प्रताड़ित है तो वो प्रताड़ित है, फिर किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हमने तो हमेशा शरण दी है लोगों को, अगर शरण दे रहे हैं तो नागरिकता देने में सबको घुसपैठिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो घुसपैठी हैं और जो वायलेंस के लिए यहाँ आए हैं उनकी कोई बात, उनकी तरफदारी कोई नहीं कर रहा, कोई भी समझदार इंसान कर ही नहीं सकता। जो यहाँ आतंक मचाने के उद्देश्य से आए हैं, उनसे तो हमारी आर्मी, ITBP, BSF वो निपट ही रही है, वो लोहा ले ही रहे हैं उनसे, पर जो मजलूम हैं, सताए हुए हैं, फिर वहाँ पर धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मेरी सोच है। ये वो रीज़न है कि इसलिए आपने सावधान इंडिया ट्वीट किया? जी, सावधान का मुझे कल रात मैसेज आया था कि 20 तारीख मेरा आखिरी दिन होगा शूटिंग का, तो मैंने वही ट्वीट किया था कि मेरा सफ़र सावधान के साथ ख़त्म हो रहा है। लोगों ने एक और एक 11 बना दिया कि चूंकि मैं उसी शाम प्रोटेस्ट में गया था मुंबई यूनिवर्सिटी, तो सुबह उठा तो मुझे पता चला कि ये खबर बन गई है, मैं खबर बन गया हूँ, तो भाई मुझे खबर ना बनाए, मुद्दा जो है उस मुद्दे पर टिकें, दो चीज़ें अलग अलग हैं, सावधान से मेरा सफ़र ख़त्म होना, मेरा प्रोटेस्ट में जाना, तो उनको अलग ही रहने दें, वरना हम मुद्दे से भटक जाएंगे। लेकिन सर एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट में गए और यहाँ पर आपको मैसेज आता, तो कहीं ये स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है ना, चैनल के अपने वजूहात हैं, होंगे, और शो चैनल का है, उनको पूरा हक है कि वो जिसको भी कंटिन्यू करना चाहें या डिसकंटिन्यू करना चाहें, सो आई विल टेक इट प्रोफेशनली। दुख तो होता है, इतना लंबा सफ़र, इतना लंबा साथ रहा है, बहुत जुड़ा रहा हूँ शो के साथ, लगाव है मेरा, बट शाश्वत तो कुछ भी नहीं है भाई, अंत होना ही है, आज नहीं तो कल कुछ और करेंगे। सर,